नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सभी। हमारे पास आ चुका है Realme का C2। आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और साथ में करने वाले हैं इसका गिव अवे। तो भैया वीडियो को कर दीजिए जल्दी जल्दी लाइक और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें करेंगे गिव अवे और आपको बताएंगे कैसा फोन होने वाला है, किस तरीके का आने वाला है। क्योंकि ये भैया अपना इंडिया में लॉन्च हो चुका है, लेकिन भैया रेडमी का 7 है जो कि इंडिया में नहीं आया है, ये उसी का कंपटीटर है और काफी बेहतरीन फोन होने वाला है। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं टेकी पर इंडिया। तो भैया बॉक्स को खोलते ही आपको देखने को मिलने वाला है कुछ भैया इस तरीके का, यानी आपको देखने को मिलेगा एक यूजर मैनुअल देखने को मिलेगा, जिसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे इसे फेंक सकते हैं साइड में। और आपको देखने को मिल जाएगा एक यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल जो कि इस तरीके का आपको देखने वाला है। और फिर उसके बाद इसमें रखिए भैया एक माइक्रो यूएसबी केबल देखने को मिलती है, इसमें टाइप सी आपको नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पर कमी है। लेकिन भैया 6000 रुपये की प्राइस रेंज का फ़ोन होने वाला है, तो माइक्रो यूएसबी केबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस पे एक आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, वो भी चार्जर की, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलता है सिर्फ भैया 5 वोल्ट, मतलब कि आपको आउटपुट इसमें देखने को मिलेगा सिर्फ 1 एम्पियर का चार्जर दिया गया है। अब देखेंगे भैया इसका जो अभी हम बैटरी टेस्ट करेंगे तो कितनी देर में चार्ज होता है हम आपको बताएंगे। फिर ये लगभग आपको 3 घंटे चार्ज करने में लगेगा, इसके अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी दी गई है। अब बात कर लेते हैं फाइनली अपने इस मोबाइल की, तो ये कुछ इस तरीके का भैया आपको दिखने को मिलेगा, काफ़ी बेहतरीन देखने में लगता है। बैक साइड में आपको भैया ग्रेडियंट डिजाइन, मतलब कि आपको डायमंड डिजाइन देखने को मिलता है जो काफ़ी बेहतरीन देखने में लगता है। आपको ब्लू कलर में दिया है, काफ़ी देखने में सही लगता है। अगर हम बात करें इसके पोर्ट की, तो इसमें आपको नीचे की साइड में देखने को मिलेगा माइक्रो यूएसबी पोर्ट और साथ में दिया गया 3.5 mm का हेडफोन जैक दिया गया और स्पीकर ग्रिल्स दिया हुआ है। आपको राइट साइड में देखने को मिल जाएगा पावर लॉक अनलॉक बटन और साइड में देखने को मिल जाएगा, इधर लेफ्ट साइड में आपको नहीं मिलेगा वॉल्यूम बटन देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके का फ़ोन होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन फ़ोन होता है, ये देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और साथ में 6000 रुपये में आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल रही है, ये एक बहुत ही बेहतर होने वाला है। और 6.1 इंच की एक बड़ी सी स्क्रीन देखने को मिलती है जो HD स्क्रीन होने वाली है। इसमें आपको IPS LCD दी गई है, इसमें आपको कोई AMOLED स्क्रीन तो नहीं दी गई है, जाहिर सी बात है, क्योंकि भैया 6000 का फ़ोन होने वाला है। इसमें आपको प्रोसेसर दिया गया है हीलियो का P22 दिया गया है, जो कि भैया एक तरीके से देखा है रेडमी का जो 7A का भैया जो कुछ लोग वेट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं उसका जो भैया प्रोसेसर दिया गया है उससे ये बेस्ट प्रोसेसर है। आप अगर खरीदना चाहते हैं तो रियलमी C2 को खरीद सकते हैं, उसका वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ़ोन जो है 6000 रुपये की प्राइस रेंज में काफ़ी बेस्ट है। वहीं पर बात कर लेते हैं इसके कैमरे की, तो कैमरा जो इसका फ्रंट का दिया गया है वो 5 MP का दिया गया है, काफ़ी बेहतरीन कैमरा है। आप इसके भी फोटोज़ देख सकते हैं किस तरीके के आए हैं, आप इसके पोर्ट्रेट मोड में भी फोटो खींच पाएंगे, वो भी फ्रंट से और बैक से दोनों में। तो अगर बात करें हम इसके बैक कैमरे की, तो बैक कैमरे में आपको देखने को मिलेगा 2 कैमरे देखने को मिल जाएंगे, एक 13 MP का होने वाला है और साथ में भी 2 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा। 13 MP का कैमरा और 2 MP का जो कैमरा कॉम्बिनेशन बन गया, फिर फोटो आपके सामने आएगी, काफ़ी बेहतर होने वाली है। वहीं पर Redmi का 7 जो आ रहा है वो भी है सिंगल कैमरे के साथ में आने वाला है, तो ये काफ़ी बेहतर, यानी कैमरे के क्षेत्र में, प्रोसेसर के क्षेत्र में, डिस्प्ले के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में बेहतर होने वाला है। सिर्फ इसमें एक ही कमी है, क्योंकि इसके साथ में जो चार्जर दिया गया है सिर्फ आपको देखने को मिलता है 1 एम्पियर का, तो आप इसमें मतलब चार्जिंग के लिए आप अलग से बाहर से मार्केट से आप चार्जर खरीद सकते हैं, वो आप 2 एम्पियर का चार्जर ये सपोर्ट करता है, लेकिन आपको बॉक्स के अंदर सिर्फ 1 ही एम्पियर का चार्जर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरेज की प्राइस की, तो स्टोरेज के मामले में इसमें आपको देखने को मिला 2 GB का 16 GB वाले का वेरिएंट, जिसकी प्राइस होने वाली है 6000 रुपये। वहीं पर एक वेरिएंट देखने को मिला 3 GB 32 GB वाले का, उसकी प्राइस होने वाली 8000 रुपये का आपको देखने को मिलेगी, जो फ्लिपकार्ट पे आप खरीद पाएंगे, उसकी सेल चलती रहती है, आप वहाँ से आसानी से खरीद सकते हैं। तो इसके गिव अवे के लिए भैया अब हमको बता दें क्या करना होगा, गिव अवे के लिए आपको क्या सिंपली करना है भैया, चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक और भैया एक कर देना है शेयर और साथ में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना है इस Realme C2 को लेकर के, आपके क्या है ख्याल, क्या सोचते हैं इस Realme C2 के बारे में। वहीं पर बात कर लेते हैं इसके गिव अवे रिजल्ट की, तो भैया गिव अवे रिजल्ट इसका आपको देखने को मिलेगा जब आप इस पे वीडियो पे 500 लाइक हो जाएंगे, उसके बाद हम भैया इसका गिव अवे रिजल्ट निकालेंगे और भैया जो भी होगा रेंडमली हम पिकअप करेंगे, इसका कमेंटर रेंडमली पिकअप कमेंटर से रेंडमली कमेंट पिक करेंगे और भैया हम आपको कुरियर कर देंगे जो भी विनर होगा। तो आप भैया जल्दी से इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना और नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन कर देना, क्योंकि हमारी जो भैया आएगी वीडियो, क्योंकि जो रिजल्ट वाली वो भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।